छह बज गए। गुड मॉर्निंग, छह बज गए हैं और हम इसी टाइम उठते हैं। आज मैं आपको अपनी डेली रूटीन दिखाने वाली हूँ। अभी बाहर आई हूँ मैं, तो सबसे पहला काम जो मैं करती हूँ वो पहले हमारे गणपति जी हैं, इनकी लाइट ऑन करती हूँ। उसके बाद मैं मंदिर की लाइट ऑन करती हूँ। जय माँ भगवती। चाय बनाने लगी हूँ, पति देव चाय नहीं पियेंगे, बैठी तब तक उठेंगे नहीं। मैं चाय नहीं पीती इसलिए मैं हल्दी वाला पानी पीती हूँ सुबह। तो अब चाय लेके आई हूँ मैं, इनको उठाऊंगी। गुड मॉर्निंग। चाय ये मैं लेके आई हूँ, हल्दी वाला पानी, और ये पियेंगे चाय सुबह सुबह बैठी। जब तक चाय नहीं पियेंगे तो उठेंगे नहीं। हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं आई हूँ वॉशरूम में, ब्रश करने लगी हूँ। उसके बाद तैयार होके हम जाएंगे वॉक करने। तो ये तो गए अभी फ्रेश होने, रेडी हो रहे हैं क्योंकि हमने जाना है अब वॉक पे। तो मैं फटाफट से बिस्तर साफ कर देती हूँ। कहते हैं कि अगर बिस्तर बिखरे रहे तो नेगेटिव एनर्जी आती है, इसलिए सबसे पहले बिस्तर साफ होना चाहिए। घर जितना क्लीन होगा उतनी पॉजिटिविटी आएगी। तो मैं उठने के बाद सबसे पहला काम यही करती हूँ कि अपना बेड साफ कर लेती हूँ। अब हम आते हैं जैपनीज पार्क रोहिणी वॉक करने। आप सब पूछते हो कि आंटी आप कैसे फिट रहते हो, तो मैं दिखाती हूँ अपनी फिटनेस का राज। वॉक से वापिस आते हुए हम दूध लेके आए हैं, उसको उबाला दिलाऊंगी, पतिदेव के लिए चाय बनाऊंगी और फिर जाऊंगी नहाने। अभी नहा धो के फ्रेश हो गई हूँ, अब चलते हैं मंदिर में। पहले जोत जलाएंगे, उसके बाद तानाजी जी को भोग लगाएंगे। सबसे पहले मैं गणपति जी के सामने जोत जलाती हूँ। नहाने के बाद भगवान का नाम जरूर लेना चाहिए, दिन की शुरुआत भगवान के नाम से होनी चाहिए कहते हैं। दूध गर्म हो गया, अब कान्हा जी को भोग लगा देते हैं। ये हमारे कान्हा जी का भोग है, ये डेली रस साथ में बादाम दूध के साथ लेते हैं। और कान्हा जी के भोग में भी तुलसी के पत्ते वो कान्हा देवी ले पियो। वैसे तो हमारी मेड आती है डस्टिंग करने, लेकिन चादर मैं खुद ही बिछाती हूँ क्योंकि मुझे मजा ही नहीं आता जब तक अच्छे से चादर ना बिछी हो। अभी तल के कपड़े धुले पड़े हैं, ये भी तय कर लेती हूँ, प्रेस करने वाले बांध देती हूँ। कितना भी कर लो, कितनी भी मेड्स लगी हो घर पे, लेकिन हाउसवाइफ का काम कभी खत्म नहीं होता। कपड़े तो सारे तय कर लिए मैंने, अब इनको सबकी अलमारियों में लगाना पड़ेगा। तो लगाती हूँ फिर इनको सबकी अलमारियों में। अभी फिर से पति देव का चाय का टाइम हो गया, तो बनाते हैं फिर से चाय। बन गई चाय। आप नोटिस करते रहना दिन में मैं कितनी चाय बनाती हूँ। तो जल्दी से अब खाने की तैयारी कर लेते हैं। मैंने मटर कुलचा बनाना है। रात को बच्चे कह रहे थे कि हमने मटर कुलचा खाना है, तो मैंने ये छोले भी बोके रखे हैं, वाइट वाले, जो जिसको मटर भी बोलते हैं, वाइट मटर। तो अभी फटाफट से तैयारी कर लेते हैं खाने की।
एक चम्मच नमक डाल दिया मैंने, आधा चम्मच हींग, आधा चम्मच दालचीनी और थोड़ी सी अजवाइन डाल दूंगी। 5-6 विसल के बाद इसको बंद कर देंगे। ब्रेकफास्ट से पहले हम करने लगे हैं मिनी ब्रेकफास्ट। फ्रूट्स काट के लाई हूँ। निश्चय खाता है पपीता और अभिषेक को सर्दा अच्छा लगता है और पतिदेव एप्पल खाते हैं, मुझे भी सर्दा बहुत अच्छा लगता है, तो ये काट के लाई हूँ क्योंकि हमारा ब्रेकफास्ट लेट होता है, लंच ब्रंच इकट्ठा ही होता है, तो पहले हम ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, मिनी ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। कपड़े तय करके मैंने अलमारी में लगा दिए। थोड़े से कपड़े हैं जैसे पिलो कवर, मेरा नाइट सूट, ये सब मैं घर पे करती हूँ, तो वो मैं अब थोड़े से प्रेस कर लेती हूँ। आपको पता है ये किचन में क्यों खड़े हैं? ये चौथी बार चाय का ऑर्डर है। अरे चने की पकी सेवा मिलेगा मेवा, नहीं तो नक्का में जाएंगे। सिर्फ चाय पिला दो वही सेवा है, चाय चाय हर टाइम चाय बनाओ। तो अब मैं आ गई किचन में, हमारा टाइम हो गया खाने का, बच्चे भी आ गए उठ के, तो मैं छोले खोल के देख लेती हूँ। छोले बॉईल हो गए हैं, अब इसको मैं बाउल में डाल रही हूँ, बड़े बाउल में। प्याज टमाटर मैंने काट के रखे हैं, ये भी इसमें मिक्स कर रही हूँ। हरा धनिया, एक चम्मच नमक, आधा चम्मच काली मिर्च, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, चाट मसाला और ये मैंने लिया है इमली का फल, इसमें डाल दिया और इसको मैंने मिक्स कर लिया। छोटे पैन में थोड़ा सा बटर डाल के ऊपर से मैंने डाल दिया जीरा आधा चम्मच और इसका हम तड़का लगा के चने में डाल देंगे और हमारा मटर कुलचा तैयार हो गया। सब बिजी हैं, सब बिजी, सब खाना खाने में बिजी हैं कि फोन में बिजी हैं। 4 बज गए हैं, कान्हा जी के भोग का टाइम हो गया है और मेड भी बर्तन साफ करके चलेगी, ये भी लगाऊंगी अभी और पतिदेव की चाय का फिर से टाइम हो गया। इस टाइम हमारे कान्हा जी फ्रूट्स खाते हैं, बहुत हेल्थ कॉन्शियस है ये भी। काम वाली तो काम करके चली जाती है लेकिन बर्तन तो खुद ही सेट करने हैं ना। 5वीं चाय, अभी तो कोई आया होगा ना इसलिए चलो जायज है, लेकिन इतनी चाय कभी नहीं पीनी चाहिए। अभी मैं इवनिंग स्नैक्स की तैयारी कर रही हूँ, उसके बाद फिर छत पे जाऊंगी, पौधों में पानी डालूंगी, आंटी कपड़े धो के गई है वो उठा के लाऊंगी। शाम हो गई है, मैं छत पे आ गई हूँ पौधों को पानी देने, जो मेरी रोज की ड्यूटी है। तो वैसे तो बहुत ही प्लेजेंट मौसम हो रहा है लेकिन फिर भी पौधों में पानी तो डालना पड़ेगा क्योंकि 2 दिन हो गए हैं पौधों में पानी नहीं डाला, क्योंकि माली दवाई डाल के गया था तो उसने मेरे को बोला था कि अभी 2 दिन पानी मत डालना, तो आज मैं अब पानी डालने लगी हूँ। अभी पौधों में पानी डाल के मैं आ गई हूँ, अब रात के खाने की तैयारी करेंगे, खाएंगे, थोड़ी देर बैठेंगे, बातें वातें करेंगे और सो जाएंगे। ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है कि आप सबको पता चले कि घर में कितनी भी मेड्स लगी हो लेकिन हाउसवाइफ का काम कभी खत्म नहीं होता। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो गिव अ बिग थम्स अप। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।